न्यूज़, मैं हूं पायल गुड़िया। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर हर कोई सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के मुताबिक उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। कश्मीर के मौजूदा हालात पर दोनों नेताओं ने कई ट्वीट किए और कहा कि कश्मीर के इतिहास में इस वक्त सबसे खराब हालात है। वहीं अब इस मामले पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ज़ायरा वसीम ने कहा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बताते चले कि ज़ायरा वसीम का ये ट्वीट काफी लंबे वक्त बाद आया है। ज़ायरा ने पिछले दिनों धर्म की दुहाई देते हुए बॉलीवुड छोड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद उनकी आलोचना भी हुई थी। ज़ायरा वसीम कश्मीर की ही हैं और उनके अलावा भी और स्टार्स ने भी जम्मू कश्मीर को लेकर कई ट्वीट किए हैं। एक्टर संजय सूरी ने लिखा, कश्मीर में मौजूदा सभी लोग अपना ख्याल रखें। वहीं अनुपम खेर ने भी लिखा, कश्मीर मामले का हल शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि कश्मीर में सुरक्षा के लिहाज से सरकार की ओर से कई फैसले लिए गए हैं। इंटरनेट सेवाओं को बंद करने की खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले अमरनाथ यात्रा को सरकार ने रद्द कर दिया और कश्मीर में सभी पर्यटकों को तुरंत कश्मीर छोड़ने का आदेश दिया। वहीं अब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि धारा 370 के कई खंड लागू होंगे, सिर्फ खंड एक बचा रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। इसके अलावा 7 अगस्त को पीएम मोदी देश को संबोधित कर सकते हैं। यू रेज अ रेलेवेंट पॉइंट, इट्स इंपॉर्टेंट, कंट्री इज आल्सो टेकिंग नोट ऑफ द सेम व्हाट इज हैपनिंग एंड ऑल। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन टू द हाउस। द होम मिनिस्टर टोल्ड मी दैट ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन इट एंड ही सेज नाउ इटसेल्फ ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन इट। लेट अस फर्स्ट हियर हिम एंड लेट द बिल आल्सो बी मूव्ड एंड देन वी डिस्कस। प्लीज बैठ जाइए, वी नो आप बैठ जाइए, प्लीज कृपया आप बैठ जाइए। श्री अमित शाह माननीय होम मिनिस्टर, nothing else will go on the card other than home minister, other than home minister nothing else will not go on. sabhapati mahoday, shivaji please baithiye, main rangarajan please sit down. main aaj jo revise apna business ka list hai uske andar aapne mujhe vyavastha di hai ki main do sankalp aur ek bill jo printed bill revise rule business ke alawa main prastut karu, main charo चीजें एक साथ प्रस्तुत करूंगा। इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके बाद में मैं जवाब भी दूंगा और चारों पर एक के बाद एक के बाद एक करके डिवीजन करना है तो डिवीजन, मगर मुझे भरोसा है कि चारों चीजें पर एक सहमति हो जाएगी तो हम इस पर चर्चा कर वोटिंग करेंगे। माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा कि कश्मीर की आज की जो स्थिति है उस पर चर्चा करनी चाहिए, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि चारों दो संकल्प और दो बिल जो लेकर आए हैं वो कश्मीर इश्यू पर ही है। उस पर आप अपना विचार रख सकते हैं, इस वक्त कश्मीर की आज की स्थिति पर भी रखिए, उस पर भी मैं जवाब दूंगा। अब मैं एक के बाद एक संकल्प और बिल, आई हैव परमिट हिम, आई हैव परमिट द होम मिनिस्टर, प्लीज महोदय मैं संकल्प प्रस्तुत, इन माय ओन विजडम आई हैव परमिटेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सीरियस इश्यू महोदय, इट विल कम टू यू वन आफ्टर अनदर, इट विल कम टू यू प्लीज महोदय। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड एक के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इस सरकारी इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड एक के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित जम्मू और कश्मीर राज्यों पर लागू होंगे, इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में नहीं किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज निर्णय अध्यादेश नियम
विनिमय अधिसूचना नीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अन्यथा न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्ति आई सदन में नियुक्त होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संबोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।